वेलकम टू पल्लवीज किचन। आज हम बनाएंगे पनीर बॉल्स चिली। फिर हम बनाएंगे पनीर बॉल्स। बाउल में हम 250 ग्राम पनीर डालेंगे। इसको मैंने ग्रेट कर दिया है। अब इसमें हम 2 ब्रेड्स का ब्रेड क्रम्स डालेंगे, जो मैंने 2 ब्रेड के पीसेस को ग्राइंड कर लिया है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्रश ब्लैक पेपर, अब इसको मिक्स कर लेंगे। पनीर बॉल्स हम बहुत माइल्ड बनाएंगे, इसलिए मैंने इसमें कुछ और ऐड नहीं किया है। बॉल्स बना लेंगे। बॉल मैंने बना ली है, इसी तरह हम सारी बॉल्स को रेडी कर लेंगे। बॉल्स मैंने बना ली है, अब इनको हम फ्राई करेंगे। हम ऑयल गरम कर लेंगे, अब बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। बॉल्स को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे। बॉल्स को अब हम साइड में रख देंगे और इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। सेम पैन में अब मैं ग्रेवी रेडी करूंगी। इसमें मैं चॉप गार्लिक डालूंगी। मैंने 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक लिया है। इसको फ्यू सेकंड्स के लिए सौते कर लेंगे। अब इसमें 1 स्लाइस्ड अनियन, इसको मैं 1 मिनट के लिए सौते कर लूंगी। 1 मिनट हो गया, आप देख सकते हो अनियन का कलर चेंज हो गया और ये सॉफ्ट हो गया। अब इसमें हम कैप्सिकम डालेंगे। इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। सॉटे कर लेंगे। 1 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने सॉसेज भी डाल दी है। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे, 2 टीस्पून टमाटो केचप, 2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे 1/2 कप। इसको मिक्स कर लेंगे। देख सकते हो पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर स्लरी डालेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है, उसको पानी में मिक्स कर लिया। अब इसको हम ग्रेवी में डालेंगे, सॉरी पानी में, जिससे ग्रेवी थिक हो जाएगी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी, ये थिक हो गई है। अब इसमें हम पनीर बॉल्स डालेंगे। हम मिक्स कर लेंगे और 1 or 2 मिनट्स के लिए हम कुक होने देंगे। टू मिनट्स हो गए हैं, ये रेडी हो गया। अब इसको हम सर्व करेंगे। हमारी आज की रेसिपी पनीर बॉल चली। मेरे और भी डिस्प्ले, प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।